हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में मैं आपसे दो कंपोनेंट्स के बारे में बात करूंगी। कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। अब हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो हम देख भी सकते हैं और हम टच भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क बाय देमसेल्फ। अपने आप ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स कंप्यूटर के काम नहीं कर सकते हैं। इनको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फिर हम बोलते हैं प्रोग्राम। द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर आर फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज, नेमली इनपुट डिवाइसेस, नेमली आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अब हम सबसे पहले बात करेंगे डिटेल में इनपुट डिवाइसेस के बारे में। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, कैमरा, माइक, डिजिटाइजर, ये सब इसके इनपुट डिवाइसेस के सब एग्जांपल्स हैं। इनपुट डिवाइसेस मैं आपको बताती हूँ होते क्या हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड में हमने कोई भी कीज की हेल्प से लेटर टाइप किया, वर्ड टाइप किया, तो वो कहाँ हमें शो होगा? हमें वो मॉनिटर के ऊपर शो होगा। तो हमने जो सबसे पहले इनपुट डिवाइस की बात करी वो है हमारा कीबोर्ड। नेक्स्ट इज माउस। अ माउस इज यूज टू सेलेक्ट, पॉइंट एंड मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन। इट इज ऑल्सो यूज टू ड्रॉ एंड पेंट इमेजेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्कैनर। अ स्कैनर इज यूज टू कॉपी अ पिक्चर और टेक्स्ट ऑफ अ पेपर इन टू द कंप्यूटर। वी कैन स्टोर द सेम ऑन द कंप्यूटर। हार्ड कॉपी इज कन्वर्टेड इन टू सॉफ्ट कॉपी थ्रू इट। एंड नेक्स्ट मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल वी कैन टेक इज माइक्रोफोन। That is used to input sound into the computer. Okay. Next, we will talk about output devices. As you can see the image of output devices, monitors, printers, speakers, headphones, sound cards, plotters, projectors, these are all output devices. Monitor is the main output device in all these. It shows whatever we do on a computer. It looks like a television camera. It looks like a television screen. It shows the output that is processed by the CPU from the given data and instructions. Next example, a printer that is used to print data or the output. Whatever we see on the computer can be printed on the paper by using a printer. Speakers, most common example of it. Speakers are used to listen the sound from coming out from the computer. We can hear sounds of song, movies and games. Okay, next and last devices, storage devices. Hard disk is the main storage device. It is located in the CPU box. It saves whatever we do on the computer. Another examples of storage devices are CDs, DVDs and pen drives. The maximum capacity of CD is 700 MB. It is a circular disk that is used to store data. It can store a lot of data, more amount of data it can store. But if we use DVD instead, its maximum capacity is 4.7 GB for single layer. Next common example we can take
is pen drive. It is the latest storage device in use. It is small and kept in a pocket. It can store more data than a CD. It is also called USB flash drive. That's all for today. In my next video, I will talk about software in detail. Thanks for watching.